मुझे मिला है मोस्ट स्टाइलिश एक्ट्रेस कैटेगरी में. मेरा आई थिंक लुक बहुत ही सिंपल है, ओपन है, विथ पैंट्स एंड अ ब्लेजर एंड अ टी शर्ट. ओपन स्लीक है एंड न्यूड मेकअप, जो मुझे हमेशा पसंद है. ऑफकोर्स अपार्ट फ्रॉम द ब्रांड, मुझे लगता है जो चीज़ें यूज़ की जाती है, द रॉ मटीरियल्स, दे आर वेरी ऑर्गेनिक और नेचर बेस्ड है, विच इज़ वेरी हेल्थी फॉर योर स्किन, बॉडी एंड माइंड. क्योंकि जितना हम नेचर से नज़दीक रहते हैं, जितना हम नेचर के करीब रहते हैं, उतना हमारे पीस ऑफ माइंड ज़्यादा रहता है. एंड मैंने इसीलिए आज, बिकॉज खादी है, तो मैंने कोशिश किया, नॉट दैट दिस इज़ एब्सोल्यूट कॉटन, बट मैंने कोशिश किया कुछ खादी टाइप में लगे. हाँ, मेरे साथ नहीं, मेरे साथ सारे मेरे लव स्टोरीज रेस्टोरेंट में ही शुरू हुआ है और उधर ही ख़त्म हो गया है, क्योंकि मुझे खाने से बहुत ज़्यादा लगाव है. मैं खाना खाना बहुत पसंद करती हूँ, सो एवरीथिंग हैपेंड इन द रेस्टोरेंट. एक्चुअली वो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इट्स ऑफकोर्स. तो पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फिनाले के लिए, क्योंकि पहली बार मेरी मम्मी भी मेरे साथ जाएंगी, क्योंकि इससे पहले जब भी फैमिली मेम्बर्स सबके मिलने आए थे, तो मेरे फियांसे आए थे, मम्मी नहीं आ पाई थी, क्योंकि उस वक्त मम्मी कोलकाता में थी. बाकी सबके मम्मियाँ आई थी, या पापा या घर से अंकल. तो इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि पहली बार मम्मी जाएगी मेरे साथ, और मैं जिन लोगों के साथ इतने हफ्ते रह के आई हूँ, सबसे मम्मी को मिला सकती हूँ, इंट्रोड्यूस करा सकती हूँ. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिनाले, और ऑब्वियसली वेटिंग कि कौन जीतेगा. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि उनसे मिलना चाहती हूँ, और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सलमान जी से मिलना है मुझे. ओह माय गॉड, सलमान खान से मिलना है. तो हाँ, वो तो हो ही सकता है कि सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट, क्योंकि ही इज़ द शाइन ऑफ द शो, राइट. मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा. डेफिनेटली मैं चाहूँगी कुछ मैं वापस से इंडियन पहनूँ, क्योंकि इस बार मैंने बिग बॉस के घर में भी ज़्यादातर मेरे अटायर्स जो थे इंडियन थे, एंड आई थिंक आई लुक मोर प्रिटी इन इंडियन. तो कुछ इंडियन में ही रहेगा, पर अभी तक कलर या क्या रहेगा एग्जैक्टली, वो मैंने डिसाइड नहीं किया. Thank you.